पिछले कुछ सालों से हीरो की इमेज एक माचो मैन की बनने लगी है, लेकिन सिनेमा के इतिहास में झांके तो ऐसे बहुत कम हीरो हुए हैं जो इस इमेज पर खरे उतरते हों। केएल सहगल हों या दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार हों, सुपरस्टार राजेश खन्ना या एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, ये सभी अपने जमाने के स्टार्स रहे। सभी का एक अलग स्टाइल जरूर रहा, लेकिन उन्हें माचो मैन नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराज कपूर, दारा सिंह और धर्मेंद्र जैसे कुछ एक हीरो थे जिनकी इमेज इस पैमाने पर खरी उतरती है, मगर कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर को उनकी इस इमेज से नहीं पहचाना गया। मगर साइलेंट फिल्मों के जमाने के एक हीरो थे खलील अहमद, जिन्होंने टॉकीज में भी कामयाबी हासिल की। हैंडसम, लंबे और मजबूत कद काठी वाले खलील पहले ऐसे हीरो थे जिन्होंने स्टारडम को छुआ, और आप कह सकते हैं कि वो पहले माचो हीरो थे। कोहिनूर फिल्म कंपनी की खोज खलील ने फिल्मों में ज्यादातर हिंदू देवी देवता और पौराणिक किरदार निभाए। फिल्मों में उनकी शुरुआत हुई 1920 में आई कृष्ण सुदामा से, और हीरो के रूप में वो दिखे कांजी भाई राठौर की 1924 में आई साइलेंट फिल्म गुले बकावली में। ये फैंटेसी फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और 14 हफ्तों तक चली। पर खलील को असल शोहरत मिली सिनेमा क्वीन से, जिसमें उन्होंने गरीब और फ्रस्ट्रेटेड पेंटर का किरदार निभाया था। 1926 में आई ये फिल्म मोहन भवनानी की डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी। सती पार्वती, महासती अनुसुया, रुक्मणी हरण, मालती माधव, सूर्य कुमारी, गुले बकावली, मनोरमा, चाइल्ड विडो, ड्रीम ऑफ लाइफ, लाख बंजारा जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्मों से उन्होंने साइलेंट एरा में अपनी मजबूत पहचान बनाई और पहले ऐसे हीरो बने जिन्होंने स्टार का स्टेटस पाया। 1931 में उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी ज्वाइन की, जिसने पहली टॉकी आलमारा बनाई थी, और उस कंपनी की फिल्म द्रौपदी उनकी पहली टॉकी रही। इसके बाद दौलत का नशा, भारत माता, नीति विजय, दो रंगी दुनिया, सौभाग्य सुंदरी जैसी कई टॉकीज में खलील हीरो के रूप में नजर आए। मोहन भवनानी की मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म मजदूर में भी वो दिखे, पर 1934 में वो कोलकाता चले गए और वहाँ ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी की 1934 में ही आई फिल्म किस्मत की कसौटी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने 1934 में आई दर्द दिल के गीत भी लिखे। मदन थिएटर्स, सनराइज पिक्चर्स और राधा फिल्म्स के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की। फरदून ईरानी की 1935 में आई मिस मनोरमा और 1936 में बुलबुले ईरान, और अजरा मीर की 1936 में ही आई परिवर्तन उनकी उस समय की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थीं। 1940 में आई धीरूभाई देसाई की प्यार उनकी आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म थी। खलील की निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। फिल्म इंडिया मैगजीन के 1941 के अंक से पता चलता है कि वो 1941 में सिर्फ 37 साल की छोटी सी उम्र में ही चल बसे, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। भारत के पहले माचो हीरो और स्टार के रूप में उन्होंने फिल्म इतिहास में जो जगह बनाई, वो हमेशा उन्हीं के नाम रहेगी।